हेलो नमस्ते, मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में, जहाँ आज होगा थोड़ा और मैजिक। जी हाँ, आप सबको टॉडलर ट्यूसडेज बहुत पसंद आए, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लेकिन कुछ बड़े बच्चों की माओं का फीडबैक ये था कि भाई हमारे बच्चों के लिए क्या। सो डोंट वरी, ये जो नया प्लेलिस्ट मैं लेकर आई हूँ, दैट इज गोइंग टू केटर टू ऑल एजेस ऑफ चाइल्डहुड। तो हमें तो पता है कि बड़े बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है ना। चलिए आज जंक को जूल्स में टर्न करते हैं। आज बनाएंगे अमेजिंग वेज हॉट डॉग। तो हॉट डॉग में पड़ता है सॉसेज रोल, राइट? लेकिन आज हम उसे बनाएंगे बहुत ही हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सॉसेज के साथ, एंड उसे हम टर्न कर देंगे इनटू वेज सॉसेज रोल। सो सबसे पहले मैंने लिया है राजमा, इसे बहुत अच्छे से बॉईल करके लीजिए, बिकॉज राजमा अगर अच्छे से बॉईल ना हो तो उसमें एक टॉक्सिन होता है विच कॉजेज इनडाइजेशन। सो नाइसली सोक इट ओवरनाइट एंड बॉईल इट। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्रम्बल्ड पनीर, वेरी वेरी हाई इन कैल्शियम एंड प्रोटीन एंड फेवरेट ऑफ माय अगस्त्या। वो ना सुबह शाम रात किसी भी टाइम आप उसे पनीर दे दीजिए, वो खा सकता है और बहुत खुशी खुशी खा सकता है। चलिए अब इसमें मैं डालूंगी एक आलू अच्छे से मैश करके। ओके, नाउ लेट्स सीजन दिस, सम सॉल्ट, सम पेपर टू टेस्ट। इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, अगर आपको अवॉइड करना आप अवॉइड कर सकते हैं, बट आई जस्ट लव द फ्लेवर, थोड़ा सा एक फायरी किक देता है। अब इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो, अगेन ऑल ऑफ दिस इज ऑप्शनल। अब इसमें मैं थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, प्राइमरली बिकॉज अदरक जरूरी होता है जब भी आप राजमा यूज करें, अगेन इट हेल्प्स कि राजमा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए अदरक इज वेरी वेरी यूजफुल। अब मैं थोड़ा इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लूंगी और फिर जरूरत हुआ तो मैशर से कर लूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि राजमा एकदम अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो जाए। ये देखिए, अब ये एकदम अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा ब्रेड क्रम्स फॉर बाइंडिंग, एंड जो भी मॉइस्चर है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, अगेन टू मेक इट अ लिटिल ड्राई। सो ये मिक्सचर ऐसे ड्राई होना चाहिए ताकि रोलिंग में भी आसानी हो। चलिए अब एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू जस्ट रोल इट आउट। लवली, दिस इज लुकिंग गुड। अब एक और ऐसा बना लेते हैं। ब्यूटीफुल। ऑलराइट, सो नाउ दीज आर डन। अब चलिए इन्हें फ्राई करेंगे। वेल, डीप फ्राई नहीं करेंगे, वी आर जस्ट गोना ग्रिल देम ऑन अ पैन। ओके, ऑयल इज हॉट, नाउ टाइम टू ऐड आवर सॉसेजेस। उन्हें एक इस तरह से आप रोल कर दें तो वो ऑयल चारों तरफ पकड़ जाता है। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर, नाइस एंड क्रंची फ्रॉम आउटसाइड एंड अच्छे से वो सॉफ्ट होगा अंदर से। Alright, these are looking beautiful. अब इन्हें ध्यान से हम निकाल लेंगे एक absorbent paper पे। Alright, so the sausages are ready. अब जल्दी से coleslaw बना लेते हैं। Well, वैसे तो इस रेसिपी में अगर सिंपल मेयो एंड मस्टर्ड डाले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको तो पता ही है मुझे थोड़ा ट्विस्ट डालना होता है। After all, बच्चों को थोड़े से वेजिटेबल्स भी देंगे एंड दिस इज अ सुपर वे ऑफ डूइंग दैट। ओके, तो एक बोल में हम डालेंगे मेयोनेज, इसमें हल्का सा दूध डालेंगे बिकॉज हमें हल्का सा वो कोल्सलो को रनी बनाना है ताकि वो सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से सोक कर ले। इसमें हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर, नॉट टू मच बिकॉज मेयो में भी थोड़ा सा नमक होता है, एंड बाय द वे मैंने एगलेस मेयो यूज़ किया है, आफ्टर ऑल ये वेज सॉसेज रोल है। हल्का सा चिली फ्लेक्स एंड अ बिट ऑफ ओरिगेनो ऑल्सो इफ यू लाइक, चीनी और थोड़ा सा मस्टर्ड। बड़े बच्चों को तो मस्टर्ड बहुत पसंद है, अगर से आपको बहुत अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स यू कैन एडजस्ट द अमाउंट एज पर द टेस्ट। यम्मी, परफेक्ट। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से श्रेडेड कैबेज एंड सम श्रेडेड कैरेट्स।
ऑफ कोर्स आप रेगुलर कैबेज भी यूज कर सकते हैं, बट आई जस्ट वांटेड अ पॉप ऑफ कलर, इसलिए मैंने पर्पल कैबेज यूज किया है। ऑलराइट, नाउ टाइम फॉर असेंबली। यहाँ मेरे पास हैं ये हॉट डॉग बंस, इन्हें आप बीच में से इस तरह से स्लिट कर लीजिए। अब ये जो स्लिट किया है इसमें हम डालेंगे प्रिपेयर्ड कोल्ड स्लो। ओके, इस कोल्ड स्लो के मिक्सचर को अच्छे से हम फिल कर देंगे ताकि ऑल द एजेस आर फिल्ड विद दिस यमी क्रीमी सॉस। एंड अब इस पे हम सॉसेज रोल डालेंगे। लवली, दिस इज डन। एंड नाउ व्हाट मेक्स इट एक्स्ट्रा स्पेशल, सम एक्स्ट्रा मेयो। And here you go, our yummalicious veg hot dogs are ready. I hope you like this recipe. Zarur ise banaiye, apne bachcho ko khilaiye aur is video ko like, share zarur kijiye. Chaliye, jaldi milte hain ek aur mazedar recipe ke saath. Tab tak, don't forget to subscribe to Amrita Raichan, Chef and Beyond. See you very soon.